नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष प्रीति काल के महान कवि बिहारी लाल जी द्वारा रचित एक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। रीतिकाल के महान कवि बिहारी लाल जी द्वारा रचित एक दोहा का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। दोहा का वाचन। इन दुखिया अखियानु को सुख सिरजोई नहीं, देखत बने न देखते अनदेखे अकुलाही। आइए दोहा पढ़ने के बाद इस दोहा में जो कठिन कठिन शब्द आए हुए हैं, सबसे पहले मैं उन कठिन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। दुखिया यानी जो सदा दुखी रहता है, अखियानु यानी आँखों में, सुख सिरजोई नहीं यानी सुख रचा ही नहीं गया है या बनाया ही नहीं गया है या भाग्य में लिखा ही नहीं गया है। देखत बने न देखते यानी देखने की इच्छा होने पर भी देख नहीं पाना। अनदेखे यानी बिना देखे रह जाना। अकुलाही यानी व्याकुल होना या परेशान होना। आइए शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर आप पुस्तक का नाम दे सकते हैं जो आपके यहाँ पढ़ाई जाती है। आप लिख सकते हैं हिंदी साहित्य कला संस्कृति और अभिव्यक्ति के पाठ बिहारी के दोहे नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस कविता के रचनाकार बिहारी लाल जी हैं। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्य धारा के एक महान कवि हैं। यह दोहा इनकी प्रसिद्ध रचना बिहारी सतसई से ली गई है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। प्रसंग। प्रस्तुत दोहा में बिहारी लाल जी कहते हैं कि मध्या नायिका के समक्ष जब नायक आता है तो वह लज्जावश उसे देख नहीं पाती है और जब वह चला जाता है तो उसके न देख पाने के कारण विरह में सदैव दुखी रहती है, विरह में सदैव व्याकुल रहती है। अपनी इसी दशा का वर्णन वह अपनी एक अंतरंगिनी सखी से करती है। आइए संदर्भ और प्रसंग बतलाने के बाद मैं पहले की भांति एक एक पंक्ति को पढ़ता हूँ, फिर शब्दार्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूँ। चलिए शुरू करता हूँ पहली पंक्ति। इन दुखिया अखियानु को सुख सिरजोई नहीं। दुखिया यानी जो सदा दुखी रहती है, अखियानु यानी आँखों को सुख सिरजोई नहीं यानी भाग्य में सुख रचा ही नहीं गया है या भाग्य में सुख लिखा ही नहीं गया है या किस्मत में सुख रचा ही नहीं गया है या भाग्य में सुख बनाया ही नहीं गया है। इन दुखिया अखियानु को सुख सिरजोई नहीं। कवि बिहारी लाल जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, अब मैं अपने बारे में तुमसे क्या कहूँ। लगता है मेरी इन दुखिया आँखों के लिए तो सुख रचा ही नहीं गया है, अर्थात मेरे इन आँखों के लिए सुख लिखा हुआ ही नहीं है, यानी मेरी इन दुखी आँखों के लिए केवल दुख ही दुख लिखा हुआ है। इन दुखिया अखियानु को सुख सिरजोई नहीं कहने का अर्थ यह है कि हे मेरी सखी, अब मैं अपने बारे में तुमसे क्या कहूँ। मैं बहुत ही व्याकुल हूँ, मैं बहुत ही परेशान हूँ, कारण मेरी इन दुखी आँखों के लिए भगवान ने सुख
बनाया ही नहीं है, अर्थात इनके भाग्य में तो सुख लिखा हुआ ही नहीं है। इसलिए मैं बहुत ही दुखी रहती हूँ, मैं बहुत ही परेशान रहती हूँ। लगता है मेरे भाग्य में सुख लिखा हुआ ही नहीं है। अब मैं दूसरी पंक्ति पढ़ता हूँ, देखत बने न देखते अनदेखे अकुलाही। देखत बने न देखते यानी देखने की इच्छा होने पर भी न देख पाना, अनदेखे यानी बिना देखे रह जाना, अकुलाही यानी व्याकुल हो जाना या परेशान हो जाना। देखत बने न देखते अनदेखे अकुलाही। सखी अपनी परेशानी का वर्णन करते हुए आगे सखी से कहती है कि हे सखी, अब मैं अपने बारे में तुमसे क्या कहूँ, मेरी स्थिति बहुत ही विचित्र है, मैं बहुत ही दुखी हूँ। कारण अपने प्रियतम को देखने की तो बड़ी इच्छा होती है, परंतु मैं क्या करूँ, मैं उन्हें देख नहीं पाती हूँ। क्योंकि जब नायक यानी जब मेरे प्रियतम मेरे सामने आता है तो लज्जा के कारण मैं उन्हें देख नहीं पाती हूँ, मेरी आंखें उधर जाते ही नहीं है, और जब वह चला जाता है तो मेरी आंखें देखने के लिए बहुत ही बेचैन हो जाती है, परंतु मैं देख नहीं पाती हूँ। इसलिए मैं बहुत ही व्याकुल हो जाती हूँ, मैं बहुत ही परेशान हो जाती हूँ। देखत बने न देखते अनदेखे अकुलाही। कहने का अर्थ यह है कि देखने की तो बड़ी इच्छा होती है, यानी जब मेरा प्रियतम इधर आता है तब देखने की तो बड़ी इच्छा होती है, परंतु लज्जा के कारण मेरी आंखें उधर जाती ही नहीं है, बल्कि मेरी आंखें तो बंद हो जाती है, मैं आंख उठाकर उन्हें देख ही नहीं पाती हूँ, और जब वह चला जाता है तब देखने के लिए मेरी आंखें तरसने लगती है। कहने का अर्थ यह है कि जब नायक मेरी तरफ आता है तो आंखें लज्जावश नीचे हो जाती है और मैं उन्हें पेट भर देख नहीं पाती हूँ, और जब वह चला जाता है तो मेरी ये दो आंखें उन्हें देखने के लिए व्याकुल हो जाती हैं। सच तो यह है कि ऐसी स्थिति में नायक को बिना देखे मुझे चैन ही नहीं पड़ता है, मैं उनके बिना रह नहीं पाती हूँ। अब मैं क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। लगता है मेरी इन दुखिया आँखियों के लिए तो भगवान ने सुख रचा ही नहीं है, लगता है मेरे भाग्य में सुख लिखा हुआ ही नहीं है, केवल दुख ही दुख लिखा हुआ है। इसलिए जब मेरा प्रियतम इधर आता है तब मैं उन्हें देख नहीं पाती हूँ, या लज्जावश मेरी आँखें झुक जाती है, परंतु जब वे चले जाते हैं तो देखने के लिए मैं बेचैन हो जाती हूँ। ऐसा लगता है मेरे भाग्य में तो सुख लिखा हुआ ही नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी रहती हूँ, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। आशा करता हूँ आप इस दुहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए व्याख्या पूरी हो जाने के बाद मैं पहले की भांति विशेष भी आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप इस दुहा का अर्थ और भी अधिक जान सकें। आइए मैं शुरू करता हूँ विशेष। विशेष यह एक श्रृंगार रस प्रधान दोहा है। इस दोहा में कवि बिहारी लाल जी ने वियोग श्रृंगार का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इस दोहा में कवि बिहारी लाल जी ने परकिया नायिका या मध्या नायिका की मन स्थिति का वर्णन बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। इस दोहा में विश्वसोक्ति अलंकार है। यह दोहा सभी दृष्टियों से अत्यंत ही उत्कृष्ट है। क्या भाव, क्या भाषा, क्या चमत्कार, सभी दृष्टियों से अत्यंत ही उत्कृष्ट है, आनंदप्रद है। प्रस्तुत दोहे की भाषा सरल, सरस व रोचक है। कवि ने इस दोहा में ब्रज भाषा का प्रयोग बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। आशा करता हूँ आप इस दोहा का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।